द थर्ड आई प्रस्तुत करती है एकल इन द सिटी की श्रृंखला, जिसमें कई तरह के एकल माने सिंगलहुड की समझ को खोलने की कोशिश की गई है। एकल औरत, सिंगल वुमन, जब इसे कुछ बॉलीवुड फिल्मों और कहानियों के बाहर देखें, तो जमीनी स्तर पे हमारे अनुभव क्या है? क्या छोटे कस्बे या गांव में एकल होना किसी शहर में एकल होने से अलग है? ऐसे कई सवालों को टटोलेंगे इस श्रृंखला में। एकल को हिंसा के दायरे में कैसे देखें और समझें, इस बातचीत की शुरुआत पहले एपिसोड में बांदा की शबीना के साथ हुई थी। ये हिंसा कई बार शादी के बाद होती है, शादी टूटने पर भी होती रहती है, कभी शहरों की गलियों का तो कभी अड़ोस पड़ोस और समाज वालों का रूप ले लेती है, और कभी कभार वो जिसे हम मायका अपना घर समझते हैं वहां भी तो होती है, कभी कुछ फैसलों के रूप में, कुछ सोच के रूप में। अपने मायके में आप एकल हैं, इसका दर्जा शादी के पहले इस बात का प्रतीक है कि आपको शादी के लिए तैयार किया जा रहा है, और अगर आप शादी तोड़कर आ गई तो तब इस एकल को कैसे देखा जाता है? अपने ही घर में इसकी क्या जगह बनती है? इस दूसरे एपिसोड एकल परिवार में मैं माधुरी इस प्रश्न को सीमा और शब्बों के पास लेकर गई। यूपी में बांदा के मोहल्ले जवाहर नगर की 27 वर्ष की सीमा इसे मायके वालों का केस कहती है। ऐसा केस जो कभी केस बन ही नहीं पाता, क्योंकि घर की बात है, इसे खुले में कैसे कहेंगे। सीमा आज एक पत्रकार के तौर पर काम करती है। बचपन में मम्मी ने जबरदस्ती थोड़ा बहुत पढ़ाया, पापा ने कहा अरे इसे पढ़ना थोड़ी है और ये तो शादी करना सिर्फ, और बचपन में ही मेरी शादी कर दी गई जब मैं 14 साल की थी। तो मैं जब अपने ससुराल गई तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मेरे साथ में बहुत सारी हिंसाएं हुई, बार बार समझौता करके ले जाते थे कि नहीं बेटा ये हम लड़कियां तो मार खाती हैं, मैंने भी मेरी माँ भी मार खाती रही हैं, मैं भी तो मार खाई हूँ और तुम्हें भी वहाँ जाना है, तुम भी वहाँ रहो, फिर एक टाइम आएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर मैंने मम्मी से कहा अगर वो टाइम में मैं ना रहूं और मैं आपके हाथ से चल जाऊँ, आपको यानी मैं प्यारी ही नहीं हूँ आपके लिए, सिर्फ आपका समाज और पिताजी और आपके बेटे ही प्यारे हैं। इसी केस में जुड़ते हुए बांदा के नारायणी ब्लॉक में रह रही 28 वर्ष की शब्बो ने भी अपनी बात रखी। शब्बो वनांगना संस्था में, जो कि सालों से महिला हिंसा के मुद्दों पर काम कर रही है, उनके साथ जुड़कर कई युवा नेतृत्व प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी है और सिलाई का काम भी करती है। मेरी वही 13 साल में शादी हो गई थी और शादी के बाद जेट 2 साल के बाद मेरे एक बड़ी लड़की पेट में आ गई थी। उसके बाद जब लड़की की हमारी डिलीवरी हो गई तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा पहली लड़की हो गई मुझे नहीं रखना, मुझे मारा पीटा निकाल दिया, माँ बाप के यहाँ चली आई। माँ बाप ने कहा कि बेटा वही तुम्हारा घर है। मैंने ये सोचा था कि अब मुझे वहाँ नहीं जाना है, अब मैं अपनी बेटी को लेके यहीं रहूँगी। मगर माँ बाप का जो दबाव होता है लड़कियों के ऊपर, कभी कभी बहुत गलत फैसले लेने पे मजबूर कर देता। उन्होंने कहा कि आप यहाँ ज़िंदगी पार नहीं कर सकती और एक छोड़ के दूसरा करेंगे। उन्होंने ये भी बात कही कि एक छोड़ के दूसरा करेंगे, क्या पता कैसा होता है वो आदमी। यही सोच सोच के चले जाते रहे, आ जाते रहे, जाने आने के कारण वो एक से दो से तीन से इतना टेंशन बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा, और दूसरा उसकी नीयत भी गंदी। जैसा शब्बो ने बताया कि क्योंकि माँ बाप के साथ तो नहीं रह सकते, तो बार बार ससुराल आने पर ये समझ नहीं आता कि किसे हिंसा समझे, जो पति कर रहा है वो या जो माँ बाप द्वारा किया जा रहा है वो। एकल रहना तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब शादी के अलावा आपका अस्तित्व नहीं है, आप कैसे रहेंगी, क्या करेंगी, अपने घर, कौन सा घर। दोनों सीमा और शब्बो इन सवालों के साथ अलग अलग तरीकों से जूझी ताकि इस हिंसा के जवाब में अपनी एकल जिंदगी की नींव वो खुद से रख सके। फिर बहुत सारी चीजें अपनी बात रखी, वनांगना की टीम ने भी अपनी बात रखी तो बात सुनी गई, और जब मेरे भाई ने मेरे साथ में हिंसा की, मतलब मेरे साथ में भाई ने भी मेरे साथ में मारपीट की, तो दीदी गई कि अगर सीमा को कुछ हुआ तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वैसे भी परेशान है, अगर तुम लोग नहीं रख सकते हो मत रखिए, आप हमें दे दीजिए अपनी बेटी, हम रख लेंगे।
तो फिर उस टाइम पर फिर मम्मी ने सोचा नहीं मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहेगी, एक टेंशन एक चिंता ये भी हो गई ना कि यार अगर मेरी बेटी और कहीं चली जाएगी तो फिर पूरे बिरादरी में पूरे समाज में थू हो जाएगी कि मेरी इनकी लड़की तो बाहर रह रही है और एक लड़की, तो एक सोच ये भी हो गई कि नहीं अब अपनी लड़की को यहीं रखना है। तो ये चीज़ हुई। आज मैं 6 साल पहले मैंने ये कहा कि अब मुझे ना ही माँ बाप की ज़रूरत है, ना ही मुझे आदमी की ज़रूरत है, मैं सिर्फ अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ, जीऊँ या मरूँ। तो मायके में तो नहीं रही, अपना अलग रूम लेके किराए से रहती हूँ और अब तो कॉलोनी में रहने लगी हूँ। इस फैसले तक आने का रास्ता एक पल या एक दिन का थोड़ी था। शबो ने खुद से किराए के मकान में रहना शुरू किया उससे पहले वो कहती है कि केवल घर वालों से या पति से नहीं बल्कि उनके आसपास वालों ने भी सिर्फ समझौते की ही बात की। शादी और एकल के बीच से होता हुआ रास्ता समझौता। वैसे ही सीमा ने अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहना शुरू किया तब रातों रात थोड़ी किसी की सोच बदल गई। वो एकल थी पर बाकियों के लिए इसका मतलब था अकेली हो खुद से करो सब। एक टाइम ऐसा आया कि मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मेरी तबीयत जब खराब हुई तो मेरे पापा ने इलाज के लिए मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे बहुत रोना आया, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। भर्ती होने के बाद मेरे डॉक्टर जो विनीत सचान है उन्होंने मेरी हेल्प की चाय से नाश्ता से, वो देखते रहे बेटा तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया। मम्मी आना चाहती थी लेकिन मेरे बड़ा भाई नहीं कहीं जाना है तुम यहीं रहो, बीमार है मर नहीं जाएगी आ जाएगी। मैं 3 दिन भर्ती रही, 3 दिन मेरे पापा मम्मी कोई देखने नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे कुछ करना है। माँ बाप ने भी यही कहा कि समझौता करो, पुलिस कचहरी में भी यही समझौता करो, संस्थाओं से भी समझौता करो, गांव के अधान प्रधान से भी समझौता। फिर प्रधान ने ये समझौता करा दिया कि आदमी है मारेगा पीटेगा तो है ही है, जब खर्च पूरा कर रहा है कपड़ा दे रहा है खाना दे रहा है तो वो खर्च पूरा करेगा। मतलब समझौता के अलावा कुछ नहीं मिला। ये तो दूसरों का सुझाया बुझाया समझौता था, पर जब साल बीतते गए खुद की समझ बनती गई तब उन्होंने एकल रहने की क्या रणनीति अपनाई? क्या वो भी एक समझौता था या खुद की सोच थी जो इन अनुभव से बनी थी? क्या थी ये नई सोच जो इन परिवारों के बीच जाकर बैठी थी? मेरे साथ में इतनी हिंसा हो चुकी थी, पुरुष जिस पुरुष से मेरी शादी हुई उसने मेरी सोच ही बदल दी पुरुष के लिए, घर से भी बदली क्योंकि जब मेरे पिताजी जब मेरे साथ में बोलते थे मेरा भाई बोलता था, मैं अपने पापा की सोच नहीं बदल पाऊंगी ना मैं अपने भाई पुरुष की सोच नहीं बदलेगी, मेन पॉइंट है। फिर एक दिमाग में ये आया कि अगर मैं शादी करूंगी तो वो भी एक पुरुष ही होगा, अब वो पता नहीं कैसा हो वो किस तरह हो, मेरे साथ में फिर हिंसा हुई फिर मैं उस दलदल से निकलूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं अकेले ही सही हूँ, मुझे कोई हिंसा नहीं चाहिए अपने आप पर। ऐसा नहीं, भाई ने बहुत कोशिश की है कि मैंने कह दिया क्या चाहते हो जेल जाना चाहते हो मैं नहीं शादी करना चाहती हूँ, और ये कहीं संविधान कहीं तो कानून में तो लिखा नहीं कि आप जबरदस्ती शादी कर दोगे किसी की, जब तक आपकी थी तो आपने जो मनमानी की अब मैं खुद की हूँ अब मनमानी नहीं कर सकती, इसमें मेरी सिर्फ मनमानी चलेगी। लेकिन मम्मी की सोच बहुत बदल गई है मेरी, मैं मम्मी की सोच के लिए तो कह सकती हूँ कि हाँ मम्मी बहुत बदल गई। पहले ये था कि लड़कों से बात करते हम छोटे लड़कों से क्यों बात कर रही पापा देख लेंगे, अब नहीं कहती मेरी बिटिया अगर कोई बात होती है मेरी बिटिया काम करती है लड़कों से बात करेगी लड़कियों से बात करेगी औरतों से बात करेगी वो सबसे बात करेगी, तो मेरी मम्मी अब जवाब देती हैं उस चीज़ का। सीमा ने अपने घर में लड़ने की अपने हक की बात करने की जगह बनाई, पर शब्बो का अनुभव इससे अतिरिक्त रहा। उन्होंने ये एकल की रणनीति माँ बाप को छोड़कर बनाई और कुछ तो मोबाइल की मदद से बनाई। माँ का हाथ है, अगर हमने पहली बार बताया दोबारा बताया 3 साल के बाद मेरी बेटी आई 2 साल के बाद, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि इतने दिन मार रहे हैं पीट रहे हैं कर रहे हैं, 2 बार घासलेट डाल दिया मिट्टी का तेल डाल दिया, अगर आजू बाजू के ना कोई आता तो हमको मार देता, तुमको ये कह देता कि कोई अच्छी बुरी चाल कर रही थी तो मर गई अपने हाथ से, या कोई अच्छी बुरा कांड किया होगा किसी के साथ सोई बैठी होंगी तो मर गई अपने हाथ से, ये थोड़ी ना कहता कि हमने मार दिया।
एक रात अगर भूखी भी रहूँगी तो भूखी चलेगा, मगर मुझे मरना नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है। मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ और महसूस करना चाहती हूँ कैसी दुनिया, क्योंकि बचपन से यही मिला कि बेटा घर से बाहर नहीं निकलो, गरीब हैं, कोई अच्छा बुरा कदम। अरे अच्छा बुरा कदम होता क्या है, क्या होता अच्छा बुरा कदम? लड़कियों को मना करेंगे, लड़कियों को निकलने को रोक करेंगे, लड़कियों को मोबाइल चलाने को मना करेंगे, लड़कियों को मोबाइल नहीं दिलाएंगे। हमने भी अभी जब ज़बरदस्त जागरूक में जुड़े, जब हमने स्मार्टफोन लिया, नहीं तो हमको नहीं लेने देते थे। पहले माँ बाप के राज में रहा नहीं, ये मोबाइल चलता ही नहीं था। जब घर में पहला मोबाइल आया, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे आदमी के पास मोबाइल आया। हालांकि हमारे पास नहीं आया, आदमी के पास आया। जब 2-4-6 महीने में वो गाँव आएंगे हमको चलाने को तो मिलेगा, मगर उसने ऐसा लॉक डाला, ये डाला, फिंगर डाला, जाने कहाँ कहाँ डाला, छूने नहीं देते थे। तो मन मार के रह गए, फिर अकेले रहने लगे, आ गए निकल के। बड़ी मुश्किल में अब मोबाइल लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने शौक धीरे धीरे वो सही है कि पुराना है कि कैसा है, मगर स्मार्टफोन है, अच्छा लगता है। शब्बो की मोबाइल वाली बात सुन के सीमा भी हंसती और बोली, कभी कभी लगता है अब मोबाइल ही हमारा नया परिवार है। फिर थोड़ा रुक कर बोली, और फिर बॉयफ्रेंड से छुप छुप कर कभी कभार बात भी हो जाती है, पर दुनिया वहां सीमित नहीं रहती। काम भी फोन पे, दोस्त भी फोन पे, संगठन भी फोन पे। क्या ये है नया एकल परिवार? सीमा और शब्बो ने अपनी इस फैमिली के बारे में जोड़ते हुए ये बताया। मैं अपने भाई के साथ में रहती हूँ, छोटे वाले, तब मैं बहुत हंसती हूँ। मैं अपने फ्रेंड के साथ में रहती हूँ तो बहुत हंसती हूँ, क्योंकि ये दो लोग हैं जो मुझे कभी रोना ही नहीं देख सकते हैं। मेरे पापा, मेरा भाई बाहर रहता है छोटा वाला, ज़्यादातर मौसी के यहाँ रहेगा। मैंने बताया कि पापा ऐसे ऐसे बोलना है, तुरंत आएगा। पापा से जवाब नहीं ला रहा था, लेकिन मेरे लिए बोलेगा, आपने क्यों बोला, आपने उसे गाली क्यों दी, क्यों दी गाली, कोई बात थी, आप बात बोलते ना, आपने गाली क्यों दी, आपने बहस क्यों किया। तो वो लोग, मैं दोनों लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, आगे का पता नहीं, लेकिन इस टाइम पर मेरा सपोर्ट दोनों करते हैं। दोस्ती, सबसे अच्छी दोस्ती हम दोस्ती ही समझते हैं, क्योंकि प्यार तो प्यार नहीं कह सकते, प्यार तो बहुत प्रकार के होते हैं। मेरे लिए दोनों मेरे फ्रेंड हैं, मेरा भाई भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है ही। कोई मारने वाला नहीं है, कोई घासलेट डालने वाला नहीं है, कोई गाली गलूज देने वाला नहीं है, कोई हमारी माँ को कहने वाला नहीं है। वहाँ पे हमारी बहनों को भी कहा जाता था, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारे बाप ने क्या दिया, तुम्हारे बाप ने क्या लिया, तुम्हारे बाप ने क्या रख गए, मतलब ये सब कहने वाला कोई नहीं है, सिर्फ कमाओ और खाओ। खाली और फ्री जीवन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ देखने को भी मिलता है, बहुत से ऐसी काम होते हैं जो हमने अपने आदमी से जुड़ के, कई आदमी डरते हैं, दबते हैं, और खुले जीवन में ये रहता है कि बहुत से चांस आते हैं और बहुत से चले जाते हैं, मगर अच्छा लगता है। आज हम फ्री ना होते तो हम आपसे नहीं मिलते, आज हम फ्री ना होते तो वनांगना से नहीं जुड़ते। जब इंसान की ज़िंदगी में बिल्कुल फ्रीपन आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लाइफ गुजरती है। इसलिए मैंने सोचा, कोई समझौता नहीं, कोई रोक नहीं, कोई बंधन नहीं। कोई समझौता नहीं, कोई रोक नहीं, कोई बंधन नहीं। हर रोज एक ख्वाहिश के साथ उठते हैं, कभी कभार कर पाते हैं, कभी कभार नहीं भी, पर ऐसी ही है हमारी एकल फैमिली, एकल परिवार। ये सोचकर मन ही मन खुशी हुई कि अगर साथ कुछ ना रहा, न साथी, न माँ बाप, न समाज की मान्यता, न भाई, न बहन, ये बदलती गढ़ती नई फैमिली शायद बनती रहेगी। जैसा शब्बो ने कहा, अकेले जब महिला रहने लगती है तो चार का साथ और चार की संगत रहती है। मेरे आसपास, सीमा के आसपास, शब्बो के आसपास उठते बैठते वही तो था। निरंतर रेडियो पर एकल इन द सिटी पर यह बातचीत अगले कई एपिसोड्स तक जारी रहेगी।